क्या कोई मुख्यमंत्री दिन दहाड़े झूठ बोलना अफोर्ड कर सकता है? क्या उसे अपनी क्रेडिबिलिटी की कोई परवाह नहीं होती? नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। ऊपर जो सवाल मैंने पूछा वो मेरे दिमाग में आया योगी आदित्यनाथ का एक भाषण सुनकर। 26 नवंबर को योगी राजस्थान के मकराना पहुंचे थे। 10 साल पहले 2008 में इसी तारीख को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। इस मौके को कैश करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी मकराना रैली में पब्लिक की तरफ एक फेक न्यूज उछाल फेंका। उन्होंने कहा, आप देख रहे होंगे, जिन आतंकवादियों को कांग्रेस बिरयानी खिलाती थी उन्हें हम गोलियां खिला रहे हैं। कांग्रेस से आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी है और आतंकवादियों को गोली से जवाब दिया जा रहा है। ये बिरयानी वाला रेफरेंस बहुत बासी हो चुका है। इसका जिक्र जुड़ा है मुंबई अटैक्स में फांसी चढ़ाए गए अजमल कसाब के साथ। अटैक करने वाले आतंकियों में बस कसाब ही था जो जिंदा पकड़ा गया था। उसके ऊपर केस चला। इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील थे उज्जवल निकम। ट्रायल के दौरान एक बार निकम ने कहा कि जेल में बंद कसाब ने मटन बिरयानी की फरमाइश की। ये बात सुनकर पब्लिक को बहुत गुस्सा आया। लोगों ने कांग्रेस को कोसा, मनमोहन सिंह सरकार को कोसा। कुछ वक्त बाद मार्च 2015 में उन्हीं उज्जवल निकम ने कबूल किया कि वो बिरयानी वाली बात झूठी और मनगढ़ंत थी। निकम चाहते थे कि लोग ऐसे ही रिएक्ट करें, इसीलिए उन्होंने झूठी कहानी बनाई थी। बाद में अपना झूठ कबूलते हुए उन्होंने कहा था, कसाब ने कभी बिरयानी की फरमाइश नहीं की, ना ही सरकार ने उसे कभी बिरयानी खिलाई। ट्रायल के दौरान कसाब के पक्ष में थोड़ी सहानुभूति बनते हुए दिख रही थी, इसीलिए मैंने देश को इमोशनल करने के लिए बिरयानी वाला झूठ गढ़ा था। उज्जवल निकम पता नहीं किस देश में रहते थे, क्योंकि हमने तो नहीं देखा किसी को कसाब से सहानुभूति रखते हुए। खैर, अच्छी बात ये हुई कि जिसने झूठ बोला उसने सच भी बोल दिया। इस झूठ सच का पता चले 3 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, मगर योगी आदित्यनाथ का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। वैसे लगता तो नहीं कि उन्होंने गलती से ये बात कही होगी। उनको लगा होगा कि चुनाव के टाइम में इस बयान से फायदा हो सकता है। उन्होंने जिस भीड़ के आगे झूठ परोसा, उस भीड़ के एक बड़े हिस्से ने उनकी बात पर यकीन कर लिया होगा। उन लोगों को शायद कभी पता ही नहीं चलेगा कि योगी झूठ बोल रहे थे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे अहम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। ऐसे लीडर्स के लिए भी कानून बनने चाहिए। जानबूझकर फेक न्यूज़ की सप्लाई करने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि इंसान पर ना सही, पॉलिटिक्स पर ना सही, कम से कम संवैधानिक पदों पर तो भरोसा बना रहे। अगर आप मेरी पार्टी तेरी पार्टी का बंटवारा भूलकर सोचेंगे तो आपको भी ये बात बहुत ज़रूरी लगेगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिए। हमारी लेटेस्ट खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।